इतिहास में अंधविश्वास कुछ तो राज है। महादेव की धरोहर कैलाश मानसरोवर, धरती का केंद्र शिव की धरोहर, आखिर क्या है मानसरोवर? मायाजाल या कोई जादुई पर्वत जहां अचानक बढ़ने लगते हैं बाल, समय भी भूल जाता है वहां अपनी चाल। माउंट एवरेस्ट से भी कम ऊंचाई, फिर भी नहीं कर सका कोई चढ़ाई, आखिर क्या है उस जगह की सच्चाई? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में, जहां हम मानसरोवर के कुछ ऐसे रहस्यमय किस्सों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए इस रहस्यमय सफर पर साथ चलते हैं और इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं उस जगह पर भगवान शिव का वास है, महादेव वहां कड़ी तपस्या में लीन रहते हैं। तो वहीं बौद्ध धर्म की मान्यता है कि कैलाश तांत्रिक ध्यान देवता डेम चोक का निवास स्थान है। माउंट एवरेस्ट से भी कम ऊंचाई, फिर भी नहीं कर सका कोई इसकी चढ़ाई। जी हां, आपने सही सुना, कैलाश मानसरोवर की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी 2000 मीटर कम है, फिर भी अभी तक कोई इसको पार नहीं कर सका। और अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी कुछ समय के लिए असमंजस में पड़ जाएंगे, आपका दिमाग कुछ क्षण के लिए रुक जाएगा। बता दें, इस रहस्यमय पर्वत पर जो भी चढ़ता है ये उसको ऐसी भूल भुलैया में फंसाता है, रास्ता खुद ब खुद बदलता चला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस तीर्थ स्थल पर जाता है वो रास्ता भटक जाता है। दरअसल इस पर्वत की दिशाएं अक्सर बदलती रहती हैं, जो इसे और अजीब और डरावनी बनाती हैं। ऊंचाई और शांति का अद्भुत मिश्रण कैलाश मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंची और ताजे पानी की झील है, जिसके पास एक राक्षस झील होकर गुजरती है जो इतनी भयानक है कि इंसान की रूह कांप जाए। उसको भयानक रूप इतना खतरनाक है कि मुर्दा भी बोलने लगे। इतनी विशाल और भयंकर झील के पास होते हुए भी भगवान शिव की ये धरा शांत रहती है, तभी तो इस झील को गॉड लेक कहा जाता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता और ना ही बदलता, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन कैलाश मानसरोवर के मायाजाल में ये बात भी गुम हो गई। जी हाँ, एकमात्र ऐसी चीज जिसने समय को भी अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। आपको बता दें कि कई हाइकर्स ने बताया कि कैलाश मानसरोवर पर उनके नाखून और बाल 12 घंटे के भीतर तेजी से बढ़ गए, जबकि सामान्य वातावरण में बालों और नाखूनों को बढ़ने में कम से कम एक सप्ताह तो लगता ही है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि जो कभी किसी से ना रुका, कैलाश मानसरोवर ने उसे भी थर दबोचा। किसी ने सच कहा है, कर्म कर बंदे, हर रास्ता यहीं से होकर जाएगा। तू सफर की बात करता है, तुझे तेरी मंजिल का भी पता मिल जाएगा। ये कहावत कैलाश पर्वत के सफर पर बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि ये न केवल जीवन के बल्कि उसके बाद के भी रास्ते दिखाता है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत से ही स्वर्ग का द्वार होकर जाता है। तो वहीं महाभारत की कहानी पर विचार करें तो माना जाता है कि द्रौपदी के साथ पांडवों ने यही मोक्ष प्राप्त, बात स्वर्ग से उठी है और यम द्वार पर ना खत्म हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यम द्वार कैलाश मानसरोवर यात्रा में सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है, जो दार चेन से 30 मिनट की दूरी तार बोचे पर स्थित है। आपको बता दें कि यम द्वार का अर्थ है मृत्यु के देवता का प्रवेश द्वार, जो स्वर्ग और आत्मा से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही न जाने कितने रहस्यमय और अनसुलझी गुत्थियों से कैलाश मानसरोवर के तार जुड़े हैं, जो हैरान करने के साथ साथ एक गहरी सोच में डाल देते हैं। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक ही निकल कर आता है, महादेव की माया जो कोई ना समझ पाया। हम फिर लौटेंगे ऐसे ही और खास पेशकश के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द क्राउन ट्यून।